Victoria, yeah. December 31, 2013. पुराने वर्ष की विदाई के साथ स्वप्न मात्र भी जो कमजोरी है उसे छोड़ने तथा उमंग उत्साह से गुण धारण करने की दृढ़ता संकल्प करके सदा बाबा रहना रोज अमृत मिले उस संकल्प को दोहराना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाप दादा सभी बच्चों को देख करके खुश हो रहे मेजॉरिटी सभी बच्चे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं। हर एक के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। जैसे बच्चे स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हैं बाप दादा भी हर बच्चे को स्नेह मूर्त देख खुश हो रहे वाह स्नेह बच्चे वाह। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई खुशी दिखाई दे रही है तो हर एक खुशनुमा बच्चे को देख बाप भी दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। हर एक के मस्तक में चमकती हुई बिंदी आत्मा दिखाई दे रही है। हर एक के दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है। बाप दादा भी हर बच्चे को देखते खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं वाह बच्चे वाह। हर एक के दिल में स्नेह समाया हुआ है। सभी आज पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष नैनों में समाया हुआ है। बाप दादा पूछते हैं सभी ने आज के दिन अपने में कोई न कोई विशेषता धारण कर और साधारणता को छोड़ा है। नए वर्ष में अपने में कोई न कोई विशेषता जो पुरुषार्थी जीवन में आवश्यक है वो संकल्प में स्मृति में लाई है। पुराना छोड़ करके नया धारण किया है। हरेक ने अपने संस्कारों में कुछ नवीनता सोची है। ये धारणा की है छोड़ना भी आता है और धारण करना भी आता है। बाप दादा को हर एक के चेहरे में अभी इस समय स्नेह की मिलन की झलक दिखाई दे रही है। आप सभी ने आज के सारे दिन में कुछ छोड़ा कुछ धारण किया है। बाप दादा मेजॉरिटी बच्चों को इस समय खुशनुमा देख रहे हैं और कौन सा गीत गा रहे हैं वाह बच्चे वाह। आज के दिन हरेक बच्चे को कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया गुण धारण करना है। सोचो
क्या छोड़ना है और क्या लेना है। बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखना चाहते हैं। अटेंशन है, लेकिन आज के विशेष दिन दिल में कुछ छोड़ना भी है, कुछ धारण करना भी है, कर सकते हैं। हाथ उठाओ जो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। अभी से सभी के मस्तक में उमंग की लहरें दिख रही है, तो ये उमंग सदा सभी का बना रहे, ये विशेष ध्यान रखना। अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग लाओ और ये उमंग सदा चेक करना कि उमंग उमंग रहा या बदली हुआ। कभी भी बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चे के सूरत में उमंग सदा कोई न कोई गुण धारण करने का उमंग हो। अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण तो खत्म हो ही जाएगा, तो बाप दादा खुश हैं कि सभी बच्चे कोई न कोई विशेष कमजोरी जो अब तक चाहते नहीं लेकिन आ जाती है, उसी संकल्प को धारण करो आज, और अभी के दिन दृढ़ संकल्प द्वारा छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। जो छोड़ सकते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठाए रही है, हिम्मत रखी है और साथ में मदद बाप की है। सभी ने अपने दिल में जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन संकल्प में रह जाता है, उसकी आज दृढ़ संकल्प से बाप को दे सकते हो। दे सकते हो क्या? हाथ उठाओ। दे सकते हो तो फिर वापस नहीं लेना, उसके लिए बाप दादा विशेष अमृत वेले विशेष मदद देंगे, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे से दिखाई देता है कि कोई बात छोड़ना चाहते हैं लेकिन लेकिन मैं तो बहुत बहुत बातें आ जाती हैं। लेकिन आज जो भी जिसमें कमजोरी हो, अगर नहीं है तो मुबारक है, अगर जरा सा स्वप्न मात्र भी हो तो आज के दिन दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो। ये देना आता है ना, संकल्प करो। ये दृढ़ संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सुबह अमृत वेले, अमृत वेला करने के बाद संकल्प को चेक करना और दिल से दृढ़ संकल्प करना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सच्ची दिल से संकल्प करना, ऐसे नहीं देखता हूं होता है या नहीं होता है, सच्ची दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी।
क्योंकि नया वर्ष शुरू हो रहा है। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा नया वर्ष आरंभ होते सवेरे उठ के अपने दिल से, कहने से नहीं, दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो मदद जरूर मिल जाएगी। दृढ़ संकल्प करो, कल सुबह को दृढ़ता संपन्न छोड़ने का संकल्प करना, क्योंकि बाप दादा देखते हैं संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प के साथ रोज उस कमजोरी को बाप को देके दृढ़ संकल्प करना, उमंग उत्साह का गुण धारण करके अंदर में ये पक्का करें कि करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करके करके ही दिखाना है, करना ही है। इसमें अगर कोई की मदद चाहिए तो महारथियों की मदद भी ले सकते हो। 31/12/13 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ, होना ही है और करना ही है, करेंगे नहीं करना ही है। इसमें बाप दादा आपके मददगार हैं। उमंग को ढीला नहीं करना, रोज रोज दोहराना, बाप को दे दो कमजोरी, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं लेकिन अपनी कमजोरी बाप को दे दो, दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ले जाती। बाप दादा खुश है कि सभी बच्चे मेजॉरिटी चाहते हैं, लेकिन चाहना के साथ जो शक्ति चाहिए उस शक्ति की तरफ अटेंशन कम देते हैं। हो जाएगा, ऐसा संकल्प बीच में विघ्न डाल देता है। दृढ़ता संकल्प के साथ में रखो तो आज के दिन पुराना वर्ष जा रहा है, नया आएगा, तो हरेक कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो, छोड़ना है। अपने दिल में सोचो लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक करो तो जो संकल्प किया वो दृढ़ है, क्योंकि इस बात में अलबेलापन भी आता है। तो आज के दिन कोई न कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो और रोज अमृत वेले उसको दोहराओ, दिया हुआ वापस नहीं लेना, क्योंकि बाप दादा अभी आगे चल करके जो समय आने वाला है उस समय को देख हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। रिजल्ट देखो, जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई, क्योंकि पहले उमंग बहुत होता है पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, तो वो ढीला नहीं होने देना, करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई साधारण नहीं है, तो कल के दिन कोई न कोई दृढ़ संकल्प सामने लाना,
और रोज अमृत वेले दोहराना, चेक करना, बाप दादा की भी मदद लेना, तो सभी खुशनुमा अभी तो देखने में आ रहे हैं। अभी तो सब खुशनुमा है। हाथ उठाओ, जो जैसे अभी है ना, वैसे अपनी स्थिति को दोहराना। अभी बाप दादा का साथ है, ऐसे ही दिल में सदा साथ रखना। दिल का दिलाराम है, तो सभी आज कोई न कोई स्वउन्नति अपने हिसाब से चेक करके संकल्प में रखो और रोज उसका सुबह अमृत वेले के बाद दोहराओ। अच्छा, सभी दिल खुश है ना? जैसे अभी दिल खुश है, सभी दिल खुश है ना? खुश है तो हाथ उठाओ। तो ये समय याद करना, जैसे अभी दिल खुश है, इस दिल खुश समय को दोहराते रहो। और बाप दादा सभी बच्चों का फोटो निकालेगा, वो फोटो साधारण नहीं होता है, तो सदा खुश और सदा खुश रहेंगे। पक्का है? कितना पक्का है? खुशी को जाने नहीं देना, खुश रहना, खुशी बांटना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, आपका टाइटल क्या है तो ये याद रखना, ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं, साधारण नहीं हूं। ब्रह्मा बाप को जाना, भले देखा नहीं हो लेकिन जान तो लिया ना, मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे, मेरा बाबा, उतना सहज याद होती जाएगी, क्योंकि मेरी बात कभी भूलती नहीं है। औरों की होती है तो भूल जाती है, तो बाप को मेरा बनाओ और मेरा भूलो नहीं। तो बाप दादा यही चाहते हैं, सुबह को उठ के अपनी शकल देखना, मन की शकल, ये बाहर की शकल नहीं। मन खुशनुमा है, ये मन की शकल देखना। और बाप के दिल पसंद है। अच्छा, सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, सभी वाह वाह हो ना, वाह वाह हो। दो दो हाथ उठाओ तो सदा रहेंगे या अभी रहेंगे? सदा वाह वाह, बाप सदा वाह वाह लगता है ना, तभी तो बाप को याद करते हो। तो बाप वाह वाह तो बच्चे भी वाह वाह। सुबह को उठ के याद करना, मैं कौन सा बच्चा हूं, वाह वाह बच्चा हूं। अच्छा,
देखना, बाप देखे तो विवाह हुआ। अच्छा, अभी सभी आए हुए बच्चों को बाप दादा विशेष दृष्टि दे रहे, किस बात के लिए दे रहे हैं? वाह वाह रहने के लिए। तो रहेंगे रहेंगे, हाथ उठाओ, रहेंगे। तो ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये भूलना नहीं। मैं कौन? वाह वाह, ये इजी है ना, हूँ ही वाह वाह। तो क्या होगा, खुश रहेंगे, कुछ भी बात हो जाए, आई और गई। आप उस बात को क्यों पकड़ लेते हो? क्योंकि कोई बात सदाकाल ठहरती नहीं है, चली जाती है। आप उसे क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज अमृत वेले अपना चेहरा देखना, अंदर का चेहरा देखना, बाहर का नहीं। चेक करना वाह वाह है, क्यों? बाप दादा वाह वाह, तो बच्चे क्या होंगे? वाह वाह। बस ये वाह वाह शब्द याद रखना। अगर कभी मूड ऑफ हो जाए ना, तो ये वाह वाह शब्द याद रखना। बाप दादा मिला ना, बाप को भी बच्चों की सिवाय चैन नहीं आता है। बाप दादा सारे परिवार का अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। चक्कर भी लगाते हैं, दृष्टि भी देते हैं। इकतीस बारह 2013 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। बाप दादा को चक्कर लगाने में कितना टाइम चाहिए? क्योंकि बच्चों से प्यार है ना, तो रोज अमृत बेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा और सभी को देखेंगे। तो क्या दिखाई देंगे? वाह वाह, ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं। अच्छा, जो भी बच्चे जहां भी हैं, बाप दादा सभी को वाह वाह बच्चे कह करके चक्कर लगा के देख रहा है, तो अमृत वेले उठ के सदा याद करना, मैं कौन? वाह वाह बाप का, वाह वाह बच्चा हूँ। कोई भी बात हो ना, वो वाह वाह में समा देना। बात को दिल में नहीं रखना, बाप और आप बस। अच्छा, गुड नाइट। आज बाप दादा ने गुड नाइट की, आप आपस में गुड नाइट करके सोना। सभी बच्चों को
जो जहां भी बैठे हैं वहां चल रहा है, लेकिन सभी को बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा कितने में चक्कर लगा सकते हैं? सभी को, चारों तरफ के बच्चों को बाप दादा गुड नाइट कर रहे हैं। आज सेवा का टर्न महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, आंध्रा और बॉम्बे, तीनों जगह से 13,000 आए हैं। अच्छा है, नाम ही महाराष्ट्र है तो महान ही होंगे। हैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। कुछ बाकी है। अच्छा, गुड नाइट। आप जाके खा के सोना, परंतु गुड नाइट याद रखना। डबल विदेशी भाई बहने और सिंधी भाई बहने भी आए हैं, करीब 500। देख लिया, बहुत अच्छे स्नेही हैं, सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं। अच्छा, उनका पहली बार बहुत आए हैं। बाप दादा ने हाथ हिला के सभी को दृष्टि दी। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश सभी को बाप दादा सामने से याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के सामने एक सेकंड में भी इमर्ज हो जाते हैं तो सभी तरफ बाप दादा चक्कर लगाते सारे ब्राह्मण परिवार को याद प्यार दे रहे। नीलू बहन से इसने अच्छी सेवा की है, और ऐसी अच्छी सेवा की है कि इसकी सेवा का लाभ सभी को मिल रहा है। सारे सेंटर्स के ब्राह्मणों को मिल रहा है। और सेवा भी बड़े प्यार से करती है। प्यार इसके दिल में सभी के लिए बहुत होता है। कोई ने कहा आप आते रहो, हम प्यार से सेवा भी करते रहेंगे। शायद नीलू बहन ने कहा, ठीक है, खुश तो है,
सदा खुश है। कोई ने कहा मोहिनी बहन का कल जन्मदिन है, मुबारक हो। आगे बढ़ने की मुबारक हो। जो भी आए हैं सभी को खास मुबारक। निर्भैर भाई से सभी ने अच्छी सेवा की। सेवा का मेवा सबको मिल रहा है। रमेश भाई से उन्होंने बोला नारी शक्ति पर सीरियल बनाया है, ठीक है देखेंगे। किसी ने कहा बहुतों ने याद दी है। जिसने याद दिया है उन सबको नाम लेके कहना बाप दादा ने याद दी है। डॉक्टर बनारसी भाई से इसने भी रथ की सेवा बहुत अच्छी की है। भी क्यों लगाई दिया, दिल से सेवा करते हो। ये भी सबको भाषण आती है। पेशेंट को भाषण आती है। कुछ काट पीट किए हैं। ओम शांति। बाबा जो आसन हम बापू के साथ हो रहा है हद में, हद की दुनिया में जो हो रहा है गुरुओं के साथ, तो वो बेहद की दुनिया में बेहद में भी होना है। तो क्या हुआ? हुआ नहीं। जो आसाराम बापू के साथ आज हुआ वो 1998 में बेहद में नहीं हुआ। वो तुम्हारी आशाओं का बापू जी नहीं था? आशाओं का बापू राम था ना, फिर क्या बात है? क्लियर करने के लिए पूछ रहे। क्लियर की क्या बात है, दुनिया में सारे ही भ्रष्टाचारी है। कोई की फैल जाती है फलिया उड़निया, कोई की गुप्त रहती है। आगे चल के मुरली में बोला है सबकी पदरौनी हो जाएगी, कोई का गुप्त नहीं रहेगा। ये जो बड़े बड़े नेताएं हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर हैं, आज आसाराम बापू को पकड़ रहे हैं, कल यही पकड़े जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं। तो क्या बात है, झूठ बात है क्या? नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ तो खुराक है, फरक्का आती है, तुम काहे लिए चिंता करते हो? बाबा हम लोग को तड़पन होती है ना, है आपसे मिले बिना तड़पन होती है कि हम लोग बाबा से मिलने। हाँ बेचैन हो जाते हैं हम लोग कि बाबा से मिले। तो अच्छी बात है ना। घर वाले आने नहीं देते। अरे यहाँ शूटिंग बुद्धि के आधार पर होती है, संकल्पों के आधार पर होती है कि शरीर के आधार पर होती है? संकल्पों के आधार पर शूटिंग होती है। तो आपकी तो बल्ला ही बल्ला।
बाबा जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बात हद में वहाँ होती तो बेहद में यहाँ होती, जैसे कि हद की दुनिया में जो फैल रही है आश्रम बापू की, तो बेहद में तो और बड़े बड़े गुरु बैठे हैं। हाँ, तो क्या हुआ, तो और भी नारियों को निकलने नहीं घर से बाहर नहीं निकलने, बड़े से बड़े गुरु बैठे हैं। बाबा ने कहा अच्छे से अच्छे देखना, तो यहाँ देखो, बुरे से बुरे देखना तो यहाँ देखो, तो होना नहीं चाहिए क्या, डर लग रहा है। तो बाबा आपका ज्ञान कैसे हम लोग उठाएंगे, कैसे उठाएंगे। बाबा ने तो बोला है 7 दिन का कोर्स लो, क्या हो सके तो भर्ती भी कर लो और विलायत में चले जाओ, कभी ना आओ लौट के, वहां का वहीं बैठ करके याद करो, सेवा करो, तुम्हारा बहुत उच्च पद बन जाएगा। ये क्या साकार में मिलने से ही उच्च पद बनता है क्या, है लक्ष्मी कितनी बार मिलती है, है? लक्ष्मी की अपने जीवन में कितनी बार मिलती है, मिलती है। बाबा ज्ञान सुनने के लिए तड़फन होती है, ये भी तो संग का रंग भी जरूरी है, संग का रंग जरूरी है, बात के संग का रंग जरूरी है। हाँ, तो बुद्धि से संग का रंग नहीं लगता है याद करने से, बुद्धि के संग का रंग आँखों से नहीं लगता है। अब जो आँखें शिष्टाचारी है उनका साथ नहीं लेना है, उनकी रग नहीं पड़ी हुई है, दूसरे अंगों की रग पड़ी हुई है तो खींच हो रही है, तो बदलना नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि में मिला हुआ है और फिर उसमें भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब लगा हुआ है। तो बाबा आपकी तरफ कन्याओं का पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा है कि उन्हें तो लिफ्ट मिल जाती है बड़े आराम से, और बांधेली माताओं को है? नहीं मिल पा रही, तो फिर इसमें क्या दुखी होना है, ड्रामा कल्याणकारी हो गया है? थोड़ा तो मन दुखी हो ही जाता है, थोड़ा क्यों, बाबा जहाँ दुख है वहाँ अज्ञान है कि ज्ञान है, अज्ञान है, बाबा की तरफ मन खींच जाता है ना, ये बाबा मेरा एक ही है। ये किसने कहा कि आपका बाबा एक नहीं है, 2-4 बाबा है, आसू आसाराम बापू भी आपका बाबा है। हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, कृष्ण बच्चा भी पढ़ लेता है, वो कैसे पढ़ता है, है? बाबा कहते हैं मुझे बोले मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और तुमको समझाता हूँ। मैं तो पढ़ाता नहीं, ये बोला है एक्यूरेट महावाक्य बोलना चाहिए, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, माना उनको सुनाते हैं बाप काम काज की बातें, धंधे धोरी की बातें, अपनी दुकान कारखाने की बातें, उन समझदार बच्चों को सुनाते हैं जो काम करने में सक्षम है, जो काम करने में सक्षम है ही नहीं, पालने में जैसे पड़े हुए हैं, बच्चा बुद्धि है, उन्हें सुनाने से कोई फायदा है, तो इनको नहीं सुनाता हूँ, तुमको सुनाता हूँ, तो क्या बात हो गई, काम तुम पूरा करोगे या ये पूरा करेंगे, है? है? ये तो खुद ही लटके हुए से वो हम सुन तो लेता है बाबा, सुन तो लेता है वो भी, सुन तो लेता है वो भी, सुन लेता है वो भी, हाँ वो बीच में सुन लेता है लेकिन सुन करके पूरा समझता नहीं है, तो इंटरफियर करके बोलता है, उल्टा पलटा बोल देता है। और बाबा है जो आत्माएं संसार में आने से पहले माँ के घर में शरीर छोड़ देती है, उनका माँ के साथ और बाप के साथ क्या संबंध है? संबंध ये है ना, माँ को दुख नहीं होगा, पेट में बच्चा ने शरीर छोड़ दिया तो उस बच्चे को निकालना पड़ेगा ना, तकलीफ होगी कि नहीं, माँ को संबंध नहीं है, हिसाब किताब नहीं पूर्व जन्म का। ब्रह्मा के उल्टा पुल्टा बोलने की भी तो जिम्मेदारी सिर्फ बाबा कहते हैं, जो भी कहते हैं उसकी जिम्मेदारी, मैं सुधार दूंगा, अभी भी सुधार रहा, यहाँ भी इंटरफियर करके ब्रह्मा बोलता है कि नहीं एडवांस में,
बोलता है, बाबा तो बैठा हुआ है, सुधार देता है कि नहीं है? है सुधार देता है। तुम कहते हो अरे बाबा ने तो ऐसे बोला था, हमारी कैसे तुम भरा हुआ है, वो तो उसमें बीसीजी में आया ही नहीं। अरे बाबा ने कहा मैं सुधार दूंगा। इनका उल्टा पलटा बोला हुआ जो श्रीमत के बरखिलाफ बोलते हैं वो सुधार दूंगा। तो सुधार रहा है? और बाबा फिर जैसे बाबा ने बोला कि बुद्धि की बात है, अगर फिर बाबा की जैसे बहुत समय से क्लास नहीं करी, क्लास नहीं हुई तो मन में एक तड़प होती जल्दी से बाबा की क्लास सुने, वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। बाबा की वाणी सन्मुख जाके सुने, मतलब बाबा की क्लास, ये तो उन बच्चों की बात है जिन्होंने ये बात सुन रखी है कि कागज की मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो थर्ड क्लास, वो थर्ड क्लास पढ़ाइए। नहीं नहीं, और टैप रिकॉर्डर से सुनेंगे तो वो है सेकंड क्लास, और सन्मुख सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास। तो हर एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्या चाहेगा, हमको फर्स्ट क्लास माल मिले, डायरेक्ट मिले। और हाँ बोल, कोई संस्कार या कोई आदत कड़ी वो नहीं बदले तो क्या करूँ? खूब याद करो, कड़क याद करो। और हाँ बाबा, हाँ लास्ट में जगदम्बा जो झाड़ू लगाएगी, झाड़ू लगाने का काम करेगी ना जगदम्बा लास्ट में, तो क्या वो चंद्रवंशियों से मिल करके लगाएगी? अरे पहले देसी में लगा देगा, माना हो जाएगी वहाँ। माना बाबा ने जो बातें बोली हुई हैं वो सच्ची साबित नहीं होंगी? होंगी होंगी। फिर क्या बात है? अरे जब कन्वर्ट, रुको, जो आत्माएं कन्वर्ट होंगी ऊपर से आने वाली आत्माओं के प्रभाव में आएंगी, उनकी शूटिंग यहाँ होगी या नहीं होगी? अरे नहीं होगी, होगी होगी। तो कुछ तो अच्छी बात तो है, मतलब पहले बेसिक में झाड़ू लगेगी। बाबा कि उधर से गुलजार दादी का पाठ खत्म होना तो ऐसा तो नहीं जगदम्बा का पाठ चालू कर दे उधर से झाड़ू लगना शुरू हो, ऐसा तो नहीं? अनुमान से नुकसान होता है, होता है तो क्यों अनुमान लगाते? और बेसिक में तो हाहाकार मची हुई है कि बाबा आ नहीं रहे, बाबा दो तीन बार से आ नहीं रहे हैं। हाँ तो वहाँ तो हाहाकार मची है, इधर हाँ। बाबा रोज आ रहे हैं तो जैसे मची है इधर, तो उधर क्या होगा फिर बेसिक में? बाबा आ नहीं रहे तो कैसे पास चलेगा उधर? अरे बाबा ने पहले से नहीं बता दिया है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। वो तो जो भक्ति मार्ग का आडंबर चला रहे हैं उसका विनाश नहीं होना है, है। तो फिर ताम झाम जो बन रहा है विनाश का उसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? बाबा ने तो बोला है रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारी राजधानी तैयार कर रहा है। तो उधर तो बाप प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए ना, उधर है उधर भी बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए ना, वहाँ बाबा रहम आ रहा है रावण संप्रदाय के ऊपर, कुछ हिसाब किताब होगा पूर्व जन्म का, जगदम्बा की भुजाओं का हिसाब किताब तो होगा ना। जगदम्बा का अगर हिसाब किताब है रावण संप्रदाय के साथ चंद्रवंशियों के साथ मिल जाने का, तो उसकी भुजाओं का नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ये क्या कह रहे? हाँ किचन लौकिक महान घर परिवार वाले बात न माने, सिर्फ कोई कह दे कोई क्रोध आ जाता है तो कहो किचन वाली आत्मा। बाबा ने तो बोला है अगर क्रोध आता है तो समझो
हम चांडाल बनने वाले हैं, चांडाल की शूटिंग हो रही है। चांडालों का काम क्या होता है? आग लगाने का। किसियंस का भी काम क्या है? एटम बम बना के दुनिया में आग लगाने का। ये वाली बात बाबा ना, एक घर वाले बात ना माने, जो बात कहा बाबा ने, ये बात कहा है ऐसे वो करो तो नहीं सुन समझ में आता होगा। तुम पहले ये तो समझाओ कि बाप कौन है। ये तो तुमने समझाया ही नहीं कि बाप कौन है, और थोपने लगे तुम बाप की बात नहीं मानते। उसकी बेचारी की बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि बाप कौन है। ये क्या बाप 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 लगाए हुए जानते हैं बाप कौन? वो कहाँ जानते हैं? जानते हैं बाबा, युगल है। भट्टी कर चुके हैं? गीता पाठशाला चल रही है? कानपुर में चल रही है गीता पाठशाला। अभी भी चल रही है? तो पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या? है? एक जैसा नहीं होती बाबा। जो मतलब ये होता है कि हाँ, जो बाबा ने जो बात कहे उसको आप ये बताओ, जब वो ही नहीं समझते। एक बात बताओ, शिव बाबा को आए हुए 75-78 साल हो गए, बाबा ने अभी तक किसी के ऊपर फोर्स डाला, तुम अभी बात क्यों नहीं मानते हो? आप मानते हैं बाबा की सब बातें? मानते हैं? नहीं नहीं, हाँ। जैसे जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं उनका मतलब लौकिक जन्म भी 25 दिसंबर है, अलौकिक जन्म भी 25 दिसंबर है, तो उन लोगों को लगता है कि हम क्रिश्चियन धर्म में ज्यादा समय आए हैं क्या? तो वो सही है क्या गलत है? ये तो अनुमान लगाने वाली बातें हो गई। बाबा, काम के आधार पर नाम रखा जाता है। हाँ? तो पांच उंगलियों के पांच नाम रखे गए हैं। हाँ? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यिका, तर्जनी, अंगुष्ठा। हाँ? इनका इनका क्या अर्थ हुआ? क्यों किसी के ऊपर तर्जना करनी होती है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तर्जनी तर्जना करती है कि नहीं? तो गलत नाम है, है? सही है, सही है। और ये अंगूठा क्या? ये गलत नाम है, सबसे मोटा नहीं है, है? मोटा। पांच पांडवों में सबसे बड़ा पांडव नहीं है, है ना? और ये है मध्यमा, ये है दो इधर, ये बीच में मध्यमा। भीमसेन को भी क्या कहते थे? हैं? मझला भाई है, मध्यम है, तो ये भी मध्यम है। वो अनामिका, उसका नाम ही नहीं पक्का हो पाता, जैसे नकुल। नकुल माने न स्कूल का न उस्कूल का। आज भारतीय दिखाई पड़ रहा है, त्यागी तपस्वी है, कल देखो तो जाके विदेश में ऊंचे ऊंचे फ्लैट बना लिए, ढेर सारे विदेशियों को अपना फॉलोअर बना लिया। तो क्या एक कुल है? पक्का नाम दे उनको, भारतीय है या विदेशी? नहीं, न भारतीय न विदेशी, अनामिका। हाँ बाबा, इन पांचों में मध्यिका को मुखिया मानेंगे कि अंगुष्ठा को? तुम किसको मानना चाहते हैं? तुम्हें मार धाड़ का काम पसंद है या सहन शक्ति का काम पसंद है? सहन शक्ति है। सहन शक्ति तो सहन शक्ति का पसंद है, तो युधिष्ठिर की बात मानो। घर में इतनी जोर से बोलते हो? जोर से नहीं बोलते कभी। अच्छा बोला, बड़ा परिवार है। एडवांस में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, बीज रूप सूर्यवंशी आत्माएं, उनके मतलब उनकी गुण विशेषता मतलब क्या होगी, पहचान? उनकी पहचान क्या होगी? वो बीज रूप बाप को जल्दी पहचान दी और धर्म वालों के मुकाबले।
वो बीज बाप है तो बाप पहले या बच्चा पहले? बाप पहले पहचानेगा। तुम बच्चों में कितने भी अवगुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है जिसकी वजह से बाप ने तुमको अपनाया, कौन सा? बाप की पहचान। अब आपने गुण को ही भूल गए? एडवांस में ही तो बता रहे हैं तुमको। परीक्षित सामने बैल तीन पैर लंगड़ा हुआ दिखलाया गया मोरा है। परीक्षित राजा के सामने बैल का तीन पैर लंगड़ा है, तो बेसिक का उदाहरण है कि एडवांस? अरे चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, एक टांग पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि देवी देवता सनातन धर्म की टांग पक्की है और बाकी सब पवित्रता में निर्बल है। चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। और बस धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध धर्म क्या है? काय की धारणा है? सद्गुणों की धारणा। सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? सहनशीलता। सहनशीलता जब तपस्या की जाती है तब सहन ज्यादा करना पड़ता है कि जो भोगी होता है उसको ज्यादा सहन करना पड़ता है? असली तपस्या क्या है? आत्म की स्थिति में स्थित रहना, ये असली तपस्या है। तो यही धारणा है तुम्हारी असली, यही स्वधर्मे निधर्म से पर धर्मो भयाब। वो धर्म जहाँ लड़ाइयां दिखाई गई हैं गीता में, उन धर्मों की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आत्मिक स्थिति की लड़ाई है। माया के सामने ताल ठोक के आ जाओ, हे माया आओ और हम युद्ध करें। लेकिन आत्मिक स्थिति होगी तब करोगे कि आत्मिक स्थिति नहीं होगी तब करोगे? है आत्मिक स्थिति पक्की होगी, युद्ध करोगे तो डटे रहोगे, विजय पाओगे। आत्मिक स्थिति कच्ची है, माया के युद्ध में कूद पड़ोगे तो क्या होगा? हैं? पतित होंगे या पावन बनेंगे? हैं? शक्ति छीन हो जाएगी। ये बात यूपी वालों को खास सब्जेक्ट बारे में क्यों इशारा दिया कि यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है? हाँ, दक्षिण भारत वाले तो ज्ञान को गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं बेचारे। ज्ञान की गहराइयों को नॉर्थ इंडिया के लोग समझेंगे जो भाषा जानते हैं। फरुखाबाद की मुरली में जो भाषा बोली गई है वो कौन से देश की भाषा बोली गई है? उत्तर भारत में भी कौन सा देश? फरुखाबादी भाषा बोली गई है। तो जो भाषा है जिस तन में आवेंगे उसी की भाषा बोलेंगे ना। तो भाषा को समझने वाले नॉर्थ इंडिया के लोग हैं कि साउथ के? तो ज्ञान की गहराई को कौन ज्यादा समझेंगे? हैं? नॉर्थ इंडिया वाले समझेंगे। जो ज्यादा गहराई से समझेंगे वो युद्ध भी करेंगे। इसलिए बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। आगे बाबा, ये जो बोला है मुरली में प्योरिटी से विनाश होता है, हाथ उठाओ। हाँ, इम्प्योरिटी से विनाश होता है, इम्प्योरिटी से स्थापना। हाँ, तो ये जिसे इम्प्योरिटी से विनाश होता है तो यह इम्प्योरिटी किस में होगा? क्या जिसका विनाश होगा उसमें होगा या जो विनाश करेगा उसमें होगा? प्योरिटी का विनाश होता है उसमें? प्योरिटी का विनाश होता है? प्योरिटी का कैसे विनाश होगा? जो इम्प्योर धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनका विनाश होता है। वो पवित्रता की परिभाषा को समझ ही नहीं पाते।
एवर प्योर का अर्थ ही नहीं समझते कि शिव बाबा प्रैक्टिकल में एवर प्योर कैसे है, जब समझेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे। वो सन्यासियों ने जो ज्ञान समझाया हुआ है बस उसी को पकड़ के चलते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी कौन है? बीके वाले। उन्होंने जो ज्ञान सुनाया है, समझाया है, जैसे क्लैरिफाई किया है, जैसे ब्रह्मा ने समझा है, बस उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा एक वार्ता में बात आई कि तप कर राज, राज कर नरका, इसका अर्थ क्या होता है? अभी तुम तपस्या कर रहे हो, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हो, करते कि नहीं? करते हैं। तप करेंगे तो राज्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। हैं? मिलेगा। मिलेगा राज्य मिलेगा तो अहंकार चढ़ेगा कि नहीं? हैं? प्रभुता पाए काय मदनाही, प्रभुता माने राजा ही। जब मद अहंकार बढ़ता है तो फिर अहंकार में आकर के सब उल्टे पलटे काम करते हैं। सभी आत्माओं का ऐसा होता है, रामकृष्ण की आत्माओं का भी ऐसा ही होता है। तो जब उल्टे पलटे कर्म करेंगे तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। नीचे गिरेंगे तो फिर तप करो, फिर तपस्या करो। अभी आगे चल रहे परम नाम को कहाँ उतार लेंगे? नीचे उतार लेंगे। जहाँ नीचे उतार लेंगे वहाँ सबके सब तपस्या में बैठे रहेंगे या विदेशों में भेजे जाएंगे? हैं? हाँ, विदेशों में भेजे जाएंगे। विदेशों में जाकर के मारकाट के बीच में, बम्बार्डमेंट के बीच में उनको सेवा करनी पड़ेगी। तो नरक हो जाएगा, नरक में रहकर तपस्या करनी पड़े। हाँ जी बाबा, ये आदमी की स्थिति जल्दी बने उसके लिए कौन सा प्रैक्टिस? अभ्यास तो कौन थे है? वैराग्य चेक रही थे, वैराग आना चाहिए। ये माया है सब। क्या माया है जो तुलसीदास ने पहले ही 400-500 वर्ष पहले लिख के रख दिया? गो गो चर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गौ मन इंद्रिया, गौचर इंद्रिया जहां जहां विचरण करती हैं, कोई भी इंद्रिय हो, जहां जहां इंद्रिया विचरण करती है वो सब माया का रूप है। तो जो माया का रूप है वो गिराने वाले हैं या उठाने वाले हैं? सब गिराने वाले। जो इन इंद्रियां जहां विचरण नहीं कर पाती, मन बुद्धि जहां विचरण कर पाता है वो परमात्मा का स्वरूप ही है जो हमको उठाने वाला है, उद्धार करने वाला है। हाँ जी, सुहागिन बहने जो है माताएं जिनकी ध्यान लगाती है, मतलब जिंदी देती है। हाँ। ये तो समझ लीजिए जो आत्मा का प्रतीक हुआ, और ये जो जो सीधे मांग में छोड़ती हैं, ये क्या है? ये किसका प्रतीक है? ये मांग है, है? देहग ने ये कैसे? ये मांग मांगी है, सिंदूर जो लगाते हैं, मांग पूरी करो। पार्वती घड़ी घड़ी बिदकती थी, घड़ी घड़ी नाराज हो जाती थी, शंकर जी मांगे पूरी करते थे कि नहीं करते थे? अरे खुश रखते थे प्रवृत्ति को, गृहस्थी को खुश रखते थे या नाराज कर देते थे? हैं?
तो हम भी ऐसा ही करें। ये रजो प्रधानता की निशानी है। घड़ी घड़ी ढेर की ढेर बातों की मांग करना, नहीं तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम विद्या। बाबा, ये गीता पाठशाला के लिए जो बोला है, गीता पाठशाला को मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ। हाँ, गीता पाठशाला जो अभी चलता हो उसमें अलग से कौन सी बात जोड़ी जाएगी, मिनी मधुबन हो जाएगा। गीता पाठशालाओं में कन्याओं माताओं को जो बाहर से आने वाली हैं उनको टिकने की इजाजत नहीं है। अंतर नहीं दिखाई पड़ा? हाँ, एक ही अंतर दिखाई पड़ रहा है। और कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ओम शांति।